हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये मेरे पास सिविक्स की बुक है और सेकेंड ईयर की सिविक्स की बुक है। तो इसके अंदर से हम आज देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है OIC, ठीक है, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगी, थोड़ा तफसील से बताऊंगी और कॉन्फ्रेंस के मकासद बताऊंगी और कॉन्फ्रेंस के उसूल बताऊंगी, ठीक है। तो चल के हम देख लेते हैं कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC जिसको कहते हैं, वो कब पेश आई थी, क्या हुआ था। ठीक है, 21 अगस्त 1969 को एक इसराइली बाशिंदे ने मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा के एक हिस्से को आग लगा दी। इस वाक़े ने दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लाम दोस्त अवाम को सख्त सदमा पहुंचाया। इस वाक़े पर गौर करने के लिए 22 और 25 सितंबर 1969 को मराकश के सदर मुकाम रबात में 24 इस्लामी ममालिक के सरबरा इकट्ठे हुए। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत मराकश के शाह हसैन सानी इंतकाल 1999 ने की। इस कॉन्फ्रेंस में मस्जिद अक्सा के साने हैं और कुस्तीन के मसले पर खुद गौर व खौस के अलावा इस्लामी ममालिक की एक मुस्तकिल तंजीम बनाने पर इत्तफाक किया गया, जिसका सदर दफ्तर जद्दा में होना करार पाया। इसके अलावा ये फैसला भी किया गया कि इस्लामी वज़रा खारजा के आइंदा इजलास में तंजीम का मंशूर और इंतज़ामी ढांचा मुरतब किया जाएगा। रुबात कॉन्फ्रेंस के फैसले के मुताबिक इस्लामी वज़रा खारजा का इजलास 23 मार्च 1970 को जद्दा में मुनक़द हुआ, जिसका इफ्तिताह शाह फैसल 1905 से 1975 ने किया, ठीक है। इस इजलास में दीगर उमूर के अलावा इस्लामी वज़रा खारजा का दूसरा इजलास तंजीम का मशहूर मंजूर किया गया और ये भी तय पाया कि वज़रा खारजा का इजलास हर साल मुनक़द किया जाएगा। वज़रा खारजा का दूसरा इजलास 26 दिसंबर 1970 को कराची में मुनक़द हुआ, जिसमें दीगर फैसलों के अलावा जद्दा में मुस्तकिल इस्लामी सेक्रेटरीट कायम किया गया। अब कॉन्फ्रेंस के मकासद हैं कुछ। नंबर वन है, रुकन ममालिक के दरमियान इस्लामी इत्तेहाद को फ़रोग देना। नंबर टू है, रुकन ममालिक के दरमियान इक्तसादी, माशरती, तहजीबी और तमाम अहम शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करना और दूसरी आलमी तंजीमों में शामिल रुकन ममालिक के दरमियान सुलह और मशवरा का बंदोबस्त करना। फिर है थर्ड, नस्ली मुनाफरत और इम्तियाज़ और इस्तेमार की तमाम शक्लों के खात्मे की कोशिश करना। नंबर फोर्थ है, इंसाफ पर मबनी आलमी अमन और सलामती की हिमायत में तमाम तर ज़रूरी तदाबीर अख्तियार करना। नंबर फिफ्थ है, मुकद्दस मुकामात की हिफाजत के लिए तमाम कोशिशों को मरबूत करना। नंबर सिक्स है, तमाम मुस्लिम अवाम के वक़ार, आज़ादी और कौमी हकूक़ के तहफ़ुज़ के लिए उनकी जद्दोजहद को तकवीत देना। नंबर सेवन है, रुकन ममालिक और दूसरे मुल्कों के दरमियान तआवुन और मुफामहत को फ़रोग देने के लिए मुनासिब माहौल पैदा करना, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कॉन्फ्रेंस के मकासद थे। अब हम कॉन्फ्रेंस के उसूलों की तरफ चलते हैं, तो कॉन्फ्रेंस के उसूल देख लेते हैं। मुतज़क्करा मकासद को दर्ज़ेल उसूलों को रोशनी में हासिल किया जाएगा। तमाम रुकन ममालिक की मईशत मसावी होगी, ठीक है, हैसियत मसावी होगी। नंबर टू है, रुकन ममालिक के हक खुद इख्तियारी का एहतराम किया जाएगा और उनके दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर अमल किया जाएगा। नंबर थर्ड है, तमाम रुकन ममालिक की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाएगा। नंबर फोर्थ है, तमाम बाहमी इख्तलाफात को पुरअमन ज़राए से हल करने के लिए मुज़ाकरत, सालसी मसालहत और मुफाहमत का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। नंबर फिफ्थ है, रुकन ममालिक के खिलाफ धमकी इलाकाई सालमियत, कौमी वहदत और सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाएगा। और इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम ने अपने क़याम से लेकर अब तक तय शुदा अगराज व मकासद के हुसूल के लिए बुनियादी उसूलों से मुकम्मल रहनुमाई हासिल की है। और इस तंजीम ने, मतलब OIC ने, एक ऐसे ब्लॉक की तश्कील की है जिसकी अहमियत रोज़ बरोज़ इजाफे
जिसके अहमियत में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास OIC की थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल में मालूमात दी है, कॉन्फ्रेंस के मकासद और कॉन्फ्रेंस के उसूल बताएँ।